दयालु बाप का एक कथा। एक दिन इस उई बहुत सारे आदमीन का शिक्षा दई रहो थे जौन वहके सुनई के खातिर इकट्ठा भय थे। ई लोग चुंगी ले वाले और साथ में दूसरे लोग भी रहा जौन मूसा के नियमन का पालन करें के कोशिश नहीं कीने। कुछ धार्मिक अगुवन ने दी कि इस इन लोगन से एक साथी की तरह बातें कर रहो है, यही खातिर हुई एक दूसरे से यह कहब शुरू कर दीन कि वह गलत कर रहो। इस ने उन्हीं का बातें करब सुने, यही खातिर वह उन्हीं का यह कथा सुनाई। एक आदमी रहा जिसके दो लड़का रहा। छोटे लड़का ने अपने बाप से कही, हे बाप, मुहिका अबहिन मोर संपत्ति का हिस्सा चाही। अतः बाप ने अपने दोनों लड़कन के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दी। जल्दी ही छोट लड़का अपन सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश का चलोगा और पापी जीवन जिए में अपन पूरा पैसा बर्बाद कर दी। यही के बाद जहाँ छोट लड़का रहा वह देश में एक भयंकर अकाल पड़ गया और वह के पास भोजन खरीदने के खातिर भी पैसा ना रहा। यही खातिर वह का जौन काम मिलो वह सुवरन के चरावे का रहा। वह इतना दुखी और भूखा रहा कि वह सुवरन का खाना भी खाओ चाहते। आखिरकार वह छोटे लड़का ने खुद सोचिस, मैं यहाँ काय कर रहो हूँ। मोरे बाप के सब सेवकन के पास खाए के खातिर बहुत कुछ, लेकिन मैं यहाँ भूखो मर रहो हूँ। मैं अपने बाप के नेरे वापिस जई हूँ और अपने बाप से विनती करी हूँ कि अपने एक सेवक की तरह महिका रख ले। अतः वह छोट लड़का वापिस अपने बाप के घर की तरफ चलब शुरू की। वह अब काफ़ी दूरी पर रहा है। वह के बाप ने वह का दिखेस और वही माँ तरस खाएस। वह दौड़ के अपने लड़का के नेरेगा और वह का गले लगा कर चूमिस। वह लड़का कहिस, हे मोरे बाप, मैं परमेश्वर के और तोरे खिलाफ पाप कीन हूँ। मैं तो लड़का कहुआवें के लायक भी निया हूँ। लेकिन बाप ने अपने एक सेवक से कहिस, जल्दी जाकर सबसे अच्छा कपड़ा लेके आओ और मोरे लड़का का पहराव। वह की अंगुरी में अंगूठी और वह के पावन में जूता पहरा। फिर सबसे अच्छा पशु मार बनाओ ताकि हम खान और उत्सव मनावन। कहे से मोर लड़का मर गाता है लेकिन अब वह जी गा है। वह हरा गता है लेकिन अब हम वह का पायलीन है। यही खातिर लोगन ने उत्सव मनाव शुरू की। कुछ देर के बाद बड़ा लड़का खेत से काम करके घर आओ। वह संगीत और नाच के आवाज सुनी और अचंभित भाकी, या काय हुई रहो है। जब बड़े लड़का का पता चलो कि उन यही खातिर उत्सव मनावत हैं, कहे से कि वह का भाई घर है वापिस आ गाता है, तो वह बहुत नाराज भा और घर में ना घुसो। वही के बाप ने बाहर आ कर वैसे अपने साथ उत्सव मनाव का निवेदन कीने, लेकिन वह मना कर देने। वह बड़ा लड़का अपने बाप से कहे, इतने सालन माँ मैं तोरे खातिर विश्वास योग्यता के साथ है काम कीन हूँ। कबहूँ भी तोरे बात का ना टालूँ, लेकिन तय कबहूँ मुहिका एक छोट कर बुकरी भी ना दिन ही कि मैं अपने साथिन के साथ है न्योता कर सकूँ। लेकिन तोरे या लड़का ने तोरे पैसा का पाप कामन माँ बर्बाद कर दिन है और अब जब वह आओ तो तय वह के खातिर उत्सव मनावे का सबसे अच्छे पशु का मरवाए दिन। बाप ने उत्तर दीने, हे मोरे लड़का, तय हमेशा मोरे साथ माँ हई और जौन कुछ मोर आए वह सब तोर आए, लेकिन मोरे खातिर उत्सव मनाऊ सही है। कैसे तोर भाई मर गता है लेकिन अब वह जीगा, वह हरा गता है लेकिन अब हमने वह का पाए लीन। लुका अध्याय 15:11-32 वचन से बाइबिल का एक कथा।